और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 के दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला। थंडर टीम और उनके सामने हैं नाइट राइडर्स। थंडर्स टीम पहला मुकाबला खेल रही है इस मिलक प्रीमियर लीग का। टॉस जीतकर इन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। और खा लो या सुमित को दे दो यार, किसी को बोलो। पहले बल्लेबाजी करने के लिए नाइट राइडर्स। बिरयानी भी आ गई उधर देखो। और ये जोर से मारने की प्रयास, यहाँ पे भी डॉट गेंदे। कल अपना पहला मुकाबला नाइट राइडर्स ने मैच हारा था और यहाँ पर थंडर टीम पहला मुकाबला खेल रहे हैं। तो ये देखे, ये एक दिलचस्प लीग के मुकाबले भी है ना, कि जो टीम हार रहे हैं उन्हीं का पहला मैच है आज के दिन में। यहां पे भी इनसाइड आउट थ्रू दी कवर, प्रयास तो अच्छा था लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। कवर के ऊपर उड़ाने की कोशिश जारी है लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो नाइट राइडर्स को ये जीत की तलाश होगी, क्योंकि अगर नाइट राइडर्स यहां जीत जाते हैं तो जीवित भी जिंदा रहेगा, जीवित रहेंगे। अगर ये मैच गंवाया मतलब इनके रास्ते बंद हो जाएंगे। और ये निश्चित तौर पे वाइड मिलनी चाहिए। क्या होगा देखना होगा, अंपायर ने करार दिया है। स्क्वायर लेग अंपायर के इंटरेस्टेड नजर आए और वाइड करार दी है। एक बार फिर से देखे, बल्ला तो काफी तेज घूम रहा है लेकिन संपर्क हो नहीं रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं बल्ले से गेंद को कनेक्ट करने की बहुत ही आवश्यकता है, जरूरी है कि यहाँ पर कनेक्ट करें। इस तरीके से अगर डॉट गेंद चलती रहेगी तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि पिछला मुकाबला भी वो गंवा चुके हैं। अब बल्ले का किनारा लगा और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, मिल जाएंगे रन्स चार आसानी के साथ। विक्टोरियंस का मैच होना है, वो मैच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो नूर 11 रेंजर्स और सनराइजर्स का मैच होना है, उसका भी कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि ये टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। बस अब मानो तो महज औपचारिकताएं के लिए दोनों टीमें मैच खेलेगी, क्योंकि अगले मैच जो होने वाले हैं नूर 11 रेंजर्स का सनराइजर्स से, जो जीतेंगे वो बस फर्क इतना ही होगा कि ग्रुप में टॉप में क्वालिफाई करेंगे, एक दूसरे पे क्वालिफाई करेंगे। अगर हरिकेन्स और हरिकेन्स के साथ विक्टोरियस का अगर मैच जो होगा वहां पे भी वही कुछ सीन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर थंडर्स जीत जाती हो तो इस ग्रुप में भी वही मतलब रह जाएगा कि नाइट राइडर्स बाहर और अगला मैच का कोई महत्व नहीं रहेगा। बस आप लीग में टॉप में क्वालिफाई करने के लिए लड़िए, अन्यथा दो टीम तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई है। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग फाइन लेग की ओर,
38 सर्कल के अंदर बॉल फील्ड की गई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट गेंदे आती हुई। ये लीजिए फाइन लेग पे पिछले गेंदों पे भी प्रयास हुआ था लेकिन सफल नहीं हुए, इस गेंदों पे प्रयास किया और फाइन लेग पे चौका बनाया सरफराज के बल्ले से एक करकदार चौका। इस पिटाड़े से निकाला इस स्ट्रोक को, 38 सर्कल का फ़ायदा तो उठाया था लेकिन बाउंड्री लाइन पे एक बेहद ही ज़बरदस्त फील्डिंग का नज़ारा पेश करते हुए खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ से काउ कॉर्नर की ओर जाकर गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक सिंगल लेने का और इस सिंगल की मदद से रन संख्या 11 बगैर किसी नुकसान के। ओहो शॉट है, सुपर गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, जबरदस्त ये स्ट्रोक सरफराज के बल्ले से, करकदार असरदार जबरदस्त चौका यहां पर। ओवर में भी उन्हें बुला लिया गया, पहली ओवर में गति नजर आई इस गेंदबाज के पास। ओहो बहुत ही जबरदस्त गेंद फैजान के द्वारा, एक बार फिर गति पे विश्वास दिखाते हुए फैजान 18 नंबर की जर्सी में है अपने टीम के लिए। काफी मेहनत जारी है इनके द्वारा, लेकिन मेहनत तो सबकी जारी है लेकिन देखना होगा इस मैच में किसकी बारी है। मेहनत तो हर कोई कर रहे हैं लेकिन किन से गलतियां नहीं होगी और रिजल्ट किन के फेवर में होगा। एक बार फिर से फैजान सटीक यॉर्कर, ये सही ठिकाने पे टप्पा है, ये गजब का यॉर्कर डाल रहे हैं। कभी यॉर्कर कभी तेज गति की गेंद, कभी शरीर से दूर रखा जा रहा है बल्लेबाज के, तो काफी अनुभवी गेंदबाज नजर आ रहे हैं फैजान और जरूरी है यहां पर अपनी टीम के लिए। और वही करते हुए फैजान की अगली गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज आकीब और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के जानिब खेला पीछे खिलाड़ी हैं। सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा आकीब को, इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ है स्कोर बोर्ड पे 16 बगैर किसी नुकसान के। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, तीन तीन ओवर का पावर प्ले, T10 फॉर्मेट, 10-10 ओवर का मुकाबला है, तीन ओवर का बैटिंग पावर प्ले जहाँ पे आप मन चाह शॉट खेल सकते हैं क्योंकि दो खिलाड़ी आपको बाउंड्री लाइन पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का प्रतीत किया जा रहा था वैसा हुआ नहीं कि बल्लेबाज के पास एडवांटेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, आपके बाजुओं में अगर क्षमता है, ताकत है, तो आप डॉट करा सकते हैं। वही हमने देखा है, हालांकि कुछ मैचों में रन्स ज़्यादा आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डॉट गेंदे भी आई है, बहुत परेशानी में भी नज़र आए हैं बल्लेबाज।
इस गेंद को उड़ाया गैप में स्ट्रोक, लेकिन बैकअप काफी अच्छा मिला फील्डर के द्वारा और जबरदस्त फील्डिंग काउ कॉर्नर की दिशा में, एक रन नहीं मिल पाएगा। इस एक रनों की मदद से 17 बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर का खेल प्रारंभ। ओहो, ये धीमी गति का डिप्ट करता हुआ बॉल और ये यॉर्कर से भी डेंजरस गेंद है फैजान के द्वारा। ओवर की आखिरी गेंद, आकिब को चकमा दिया, ओवर की समाप्ति। तीन ओवर के बाद 17 बगैर किसी नुकसान के, पावर प्ले के तीन ओवर का खेल मुकम्मल, तीन ओवर में बने हैं 17। और एक अच्छा मैसेज कि यहाँ पे नाइट राइडर्स ने कोई विकेट नहीं गवाया। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग, प्रेजेंट बाई ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज बाई CA फरहत मियाँ, टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर रॉयल फिंजर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साइड पे एक बड़ा स्ट्रोक बन सकता था, लेकिन यहां पर गलत ओवरथ्रो का फायदा मिलता हुआ नाइट राइडर्स को, सिंगल के जगह डबल प्राप्त करते हुए इस दो रनों की मदद से रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के। अब फील्ड जो है वो खोल दी गई है, फील्ड फैला दिए गए हैं। फैजी के सामने सरफराज, इनका बल्ला, माशाल्लाह जबरदस्त स्ट्रोक। कल भी इन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक लगाया था, हालांकि शायद कल ओपन करने नहीं आए थे, कल थोड़ा सा लेट मौका मिला था। आज ऊपर विश्वास दिखाया कैप्टन, इन्हें आज टॉप ऑर्डर में भेजा है, ओपनिंग के लिए भेजा है और नज़ारे के बाद अब ताकत का इस्तेमाल। यहां पे भी घुमाना चाहते थे गेंद को ऑन साइड पे, कनेक्शन बेहतर हुआ नहीं और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच गई, डॉट बॉल। रन संख्या 25, चौथा ओवर का खेल नाइट राइडर के सामने देखा जाए तो इनकी थोड़ी सी गेंदबाजी कमजोर रही है। एक जर में गेंद खोद निकाला, जब तक कि स्क्वायर लेग से बॉल फील्ड होती, एक सिंगल। फैजी के सामने अब होंगे आकिब, ये अच्छा कॉन्टेस्ट कि आकिब किस तरीके से फैजी को खेलते हैं। ये लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई, अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया। इस वाइड के माध्यम से एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, रन संख्या 17 अभी तक 10 आए, माफ करेंगे रन संख्या 27 इस ओवर से अब तक 10 आए हैं। ओह जबरदस्त स्ट्रोक गैप में दो फील्डरों के बीच में, महीन सी दरार, गेंद हो गई है फरार, रन मिलेंगे 4।
को खींचा, गति परिवर्तन किया, ओवर की समाप्ति 31-4 के बाद बिना किसी नुकसान के नाइट राइडर्स 31 बगैर नुकसान के 4 के बाद। बॉल बॉय कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बॉल बॉय आजम, अहद, समद, आजम, केवल आजम आ जाए, केवल आजम। फुल टॉस गेंद कनेक्शन हुआ नहीं बेहतर और ऑन साइड पे थोड़ी सी मिसफील्ड जिसका नतीजा आसानी से 1 रन प्राप्त करेंगे नाइट राइडर्स के बल्लेबाज सरफराज। गुलनवाज 5वां ओवर डालने के लिए अपनी टीम की ओर से, रन संख्या 32, 32। गुलनवाज के सामने अब आकिब होंगे। राउंड द गेंदबाजी गुलनवाज के द्वारा राइट हैंड के बल्लेबाज के सामने, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के सामने ओवर द गेंदबाजी। थोड़ा सा रणनीति बदला है। अब स्ट्राइक पे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज सरफराज, और सरफराज के लिए भी राउंड द नहीं, अब ओवर द करेंगे। फैसला बदला है इन्होंने। आगे लेंथ गिरने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल जो कि बल्लेबाज को पूरी तरीके से समझने पे मजबूर कर दिया। टॉट गेंद आता हुआ, ये एक जर में डाली हुई गेंद, इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन किया। गति प्रधान पिछली गेंदों पे दिखाया था और इस बार गति कंजूसी दिखाया। और ये जबरदस्त स्ट्रोक कवर के ऊपर से, ये चौका प्राप्त करते हुए सरफराज, जबरदस्त स्ट्रोक। यहाँ पे भी जोर से मारने की प्रयास, लेकिन जर में पड़ती हुई बॉल सीधा विकेट कीपर के पास निकल गई। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद, रन संख्या इस वक्त स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 37 बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर के बाद 37 बिना किसी नुकसान के।
चुके हैं और 5 ओवर में बने हैं 37 बिना किसी नुकसान के, 37 बने हैं, कोई विकेट अभी तक नहीं गिरा है। गेंदबाजी के लिए अहद, सामना करेंगे आतिफ। टप्पा पड़ने के बाद निजी रही, जमीन के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची डॉट बॉल। अहद के सामने आतिफ, अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है, विकेट का कॉल लग रहा है इस ओवर से, ये लीजिए और विकेट दे ही दिया है। जिक्र कर रहे थे कि इस ओवर से विकेट ऐसा लग रहा है कि चटकाया जाएगा और विकेट ही दे दिया। ना कि इस ओवर में अगर बल्ला घुमाया जाएगा तो एक और विकेट आएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये प्रेडिक्शन आ रहा है। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ अहद का, एक विकेट चटकाया सेट बल्लेबाज आकिब का, विकेट चटकाया और उसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए हारून। हारून के द्वारा कल गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी, आज बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पे इन्हें आज भेजा गया है। एक वाइट बॉल करार दी गई तो एक अतिरिक्त रन, और इस अतिरिक्त के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 38। यहाँ पे भी एक और डॉट गेंद, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर से अहद के द्वारा। थंडर टीम पहला मुकाबला खेल रही है, अभी बल्लेबाजी देखना बाकी है कि लाइनअप कैसा है, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की जो अटैकिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आई है। ये अच्छा पुल किया और गेंद को डिप मिड विकेट के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 एक खिलाड़ी के नुकसान पे नाइट राइडर्स, 6 ओवर के बाद 44 एक खिलाड़ी नुकसान के बाद नाइट राइडर्स। बड़ा बोध ये थोड़ा सा गलत शॉट सिलेक्शन कर बैठे। गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज दाऊद और विकेट चटकाया सेट बल्लेबाज सरफराज का।
गंवाते हुए नाइट राइडर्स। दाऊद आते के साथ विकेट दिलाया अपने टीम को, महत्वपूर्ण विकेट, जरूरी था ये विकेट क्योंकि सेट हो रहे थे सरफराज और ये कहीं ना कहीं खंखार, ये खुंखार साबित हो रहे थे और उस खुंखार को पहले ही शांत कर दिया। और ये फॉलो थ्रू में कैच दे दिया था दाऊद, ये कैच हो सकता था, थोड़ा सा कठिन जरूर होता है गेंदबाजी करते हुए अपने फॉलो थ्रू में कैच लपक पाना, लेकिन क्या ये पॉसिबल था? चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए जैब, अच्छा यॉर्कर गेंद, जबरदस्त यॉर्कर, प्रशंसा करनी होगी यहाँ पर थंडर की टीमों का, जिस तरीके से इन्होंने अब तक अपनी गेंदबाजी दिखाई है, पहला मैच खेल रहे हैं, गेंदबाजी के नज़रिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गेंदबाजी हुआ है, लेकिन वही बल्लेबाजी बाकी है, लेकिन गेंदबाजी पक्ष ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है। 44 पे 2, सातवां ओवर का खेल, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यहाँ पे भी उड़ाने की कोशिश है क्रॉस द लाइन, बल्ला बहुत तेज घुमाया लेकिन रन मिलेगा नहीं, डॉट गेंद यहाँ पे भी, थोड़ी सी नाइट राइडर्स के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई। यहाँ पे टॉपेज लगा, कैच का कॉल था और यहाँ पे विकेट कीपर ने आसान सा कैच लपका, आसान तो नहीं कह सकते, काफ़ी कठिन कैच था लेकिन आसान बना लिया था, और ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। अब आ रहे हैं आसिफ, टीम के कैप्टन हैं, बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, 3 विकेट 44 के स्कोर पे, सातवां ओवर पर गतिशील गेंदबाज दाऊद खान के द्वारा, पहली गेंद पे विकेट, पांचवी गेंद पे विकेट, अब आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद पे भी विकेट, गजब का ये गेंदबाज, एक ही ओवर से 3 विकेट, दाऊद दाऊद दाऊद, कमाल की गेंदबाजी। है ये इस टीम के, एक ही ओवर से 3 विकेट दाऊद ने चटकाया, राइट हैंड है, राइट हैंड है, अजीब टाइप से खड़ा भी हो रहा है यार, राइट हैंड में बैठा है, मतलब राइट हैंड ही होगा, राइट हैंड है, लगा लो सर, तब चौवालीस पे 4, 4-4 loss of 4। अब नए ओवर की शुरुआत, पहले इनिंग के 18 गेंदों का अब खेल बाकी है, स्ट्राइक पे हारू, नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज नदीम और गेंदबाजी करने के लिए गुलनवाज, और ये तेज गति का ये गेंद गुलनवाज के द्वारा, चौवालीस पे 4, 4-4 loss of 4। देखिए ऐसा लग रहा था 8 से ऊपर का करंट रन रेट चल रहा था, अब अचानक से ये जो
रन में गिरावटें आई है, लगभग 6 रन प्रति ओवर कर दिया है। तो अच्छा कॉम्बैक मिडिल ऑर्डर के गेंदबाजों के द्वारा। अब नहीं तो कब, इस पे नहीं तो किस पे, थोड़े से चोटी होते हुए पैरों पे लगी है, वो जोर से जाके लगी है। ये हवा में गेंद आउट करार दिए गए हैं। ओ यूटी आउट यहां पे करार दिए गए हैं बल्लेबाज, वापस बैक टू द पवेलियन। 5वां विकेट का पतन होता हुआ। पांचवा गिरा है 45 के स्कोर पे, ये 5वां विकेट। आठवां ओवर का खेल चलता हुआ, मुश्किल में ये टीम बढ़ती हुई। यहां पे भी डॉट गेंद, क्या गजब का स्पीड है इस गेंदबाज के पास, गुलनवाज। मजा आ रहा है यहाँ पे थंडर टीम की गेंद को, गेंदबाज को देखकर। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फनफनाती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छा यॉर्कर जर्मे गेंद, लेकिन यहां पे क्या एक रन प्राप्त किया जा सकता था। 8 के बाद 45 पे 5, 8 के बाद नाइट राइडर्स। 12 गेंदे और पहले इनिंग के बाकी। गेंदबाजी करने के लिए 9वां ओवर लेकर आए हैं अहद। पहला ओवर अहद का काफी अच्छा रहा था, विकेट नहीं मिल रहा था, इन्होंने पहला विकेट चटकाया। इनसाइड एज, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छूते हुए विकेट कीपर के बगल से निकली गेंद, जब तक कि शॉर्ट फाइन लेग से बॉल फील्ड होती, मौका था एक रन पूरा करने का। और इस एक की मदद से रन संख्या 46 46, 37 पे 0 थी ये टीम, और उसके बाद 46 तक आते आते 5 विकेट गंवा दिए। काफी समय हो गए हैं छक्के और चौके आए हुए। लीजिए, अभी अभी जिक्र हुआ था कि काफी समय हो गए हैं, तो जिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, लीजिए ये छक्का। क्या कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज विक्रम। और इसी के साथ टीम 52 राइडर्स 85 के आंकड़े को पार करते हुए टीम अर्धशतक के पार पहुंचती हुई 52। हाँ, एक बार थोड़ा सा शरीर से दूर 7वें स्टंप्स पे बॉल को रखा, उड़ाना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। विक्रम कल अच्छा बल्लेबाजी इन्होंने किया था, आज एक बार फिर से विक्रम को अच्छा खेलना होगा। खेला है
लेकिन दूरी देखना होगा कितनी दूरी है, और जितनी चाहिए उतनी दूरी। और लॉन्ग ऑन पे अमूमन इतनी आसानी से छक्के लगने वाले हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन विक्रम ने कहा रुको जरा सबर तो करो, ये भी होगा मेरे बल्ले से होगा 6 रन। अंठावन पे और ये थोड़ी सी मिस फील्ड और थोड़ा सा कंजूसी भरी फील्डिंग जिसका नतीजा रहा कि एक बाई का रन। हालांकि बल्लेबाज के खाते में नहीं जाएंगे लेकिन टीम के खाते में जरूर जाएंगे और यहां पे टीम को आवश्यकता भी है रन का। रन संख्या 59, 2 छक्के और पूरी तरीके से मैच में वापस, मैच में देखा जाए तो एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ नाइट राइडर्स। अच्छा यॉर्कर कल 60 रन मारा था ना ये नाइट राइडर्स। नौ ओवर की समाप्ति 9 के बाद, रन संख्या 59, 5 विकेट के नुकसान पे, 59 लॉस ऑफ 5 आफ्टर 9 ओवर, पहले इनिंग के 6 गेंदों का और खेल बाकी। ये 6 गेंदे कौन डालते हैं देखना दिलचस्प होगा। मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण आप सबों के सामने इस उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले के एक छोटे से कस्बे मिलक जैसे सरजमी पे ये मिलक प्रीमियर लीग खेला जाता हुआ। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पूरी मुंबई के टीम इस वक्त इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण लाइव कवरेज करते हुए और साथ ही साथ मिलक प्रीमियर लीग पे यूट्यूब पे लाइव प्रसारण किया जा रहा है। स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, पहली गेंद स्लोअर बॉल, गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर फैजी के हाथों में सौंपा गया है। पहला ओवर में फैजी ने 14 खर्च किया था जब अपने कोटे का पहला डाल रहे थे और यहां पर वापस उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहला तो डॉट के साथ शुरुआत किया है मगर 5 गेंदे किस लेंथ पर रखेंगे। लेंथ अच्छा है, थोड़ा सा बल्लेबाज से पहले टप्पा मारने की कोशिश और वही करते हुए उन्हें पता था कि इस बार कुछ हरकत करने वाले हैं, कदमों का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे गेंद को डाला। तो कहीं ना कहीं आप जब बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ते हैं या फिर गेंदबाज बल्लेबाज को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे एडवांटेज मिलता है। जब आप पढ़ लेते हैं तो एडवांटेज तो मिलना ही है लेकिन पढ़ना सही से आना चाहिए। किसका टेंट है, फहद बोरी नहीं किया ना अभी। शॉर्ट थर्ड में इस वक्त फहद मौजूद है जो कि तैबा टेंट हाउस के जो ऑनर है, एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त शॉर्ट थर्ड पे खड़े हैं। देखना पड़ेगा क्या बल्लेबाजी करने भी आएंगे या उनके बल्लेबाज पहले मैच जिता देंगे या फिर इनकी टीम ऑल आउट होगी, इनकी बल्लेबाजी ख़राब होगी, क्या कुछ होगा वो आपको दूसरे इनिंग में वो चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एक बार फिर से फैजी के सामने तैयार है बल्लेबाज विक्रम, 9 गेंदों से 12 ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर हवा में गेंद और कैच पकड़ लिया गया है, 6 विकेट का पतन 59 के स्कोर पे। आखिरी ओवर से 4 गेंदें डाली गई है और कोई रन नहीं अभी तक, पूरी तरीके से बांध कर रखा है। दानिश राइट हैंड के बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए टीम नाइट राइडर्स की ओर से। 2 गेंदें बची हुई है आखिरी ओवर के, इस 4 गेंदों से कोई रन नहीं। पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा विकेट, पांचवा, और डायरेक्ट थ्रो होती तो काम तमाम हो जाता। बाई का यहां पे 1 रन मिलता हुआ तो रन संख्या 60, आखिरी गेंद पहले इनिंग का। आखिरी गेंद अभी तक 59 बने हैं, इकसठ का टारगेट आखिरी गेंद पे। विकेट मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब वापस 5 मिनट के बाद मिलते हैं जब गेम शुरू होगा। 61 का लक्ष्य थंडर टीम के लिए। म्यूजिक
कैप्टन ने ही पहले ओवर की जिम्मेदारी थामी है। सामना करेंगे थंडर्स के खिलाड़ी फैजान, उनका साथ देने आए हैं कामरान। साठ में 61 रन चाहिए। और यहाँ उठा कर खेलना चाह रहे थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा ही कीपर के हाथों में। और यहाँ पर आउट हो चुके हैं फैजान। अगले बल्लेबाज आएंगे। छोटू गंगवार इनका पूरा नाम है और बड़ी मोहब्बत से लोग इन्हें छोटू नाम से बुलाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार मंच पर आएं और उसकी शोभा बढ़ाएं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मिलक प्रीमियर लीग के दूसरे दिन का तीसरा मैच, जो कि खेला जा रहा है नाइट राइडर्स वर्सेस थंडर के बीच। आप लोगों को जो थोड़ा ये कम क्राउड देखने को मिल रहा है, कोई इसकी खास वजह नहीं है। वजह यही है कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि आदमी घर से निकलने को चाह ही नहीं रहा कि वो मैदान पर पहुंचे, क्योंकि घर तक हमने इस मैच की एक्सेस इतने बेहतरीन फॉर्मेट में पहुँचा दी है कि आपको कहीं से भी बैठ के। और ये अगली गेंद, गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। और ये कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे इस मैच के ये भांजी भांजा। एक ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर थंडर्स का। और हम सबके बीच यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं स्टेशन मास्टर रामपुर के मिस्टर जुनैद खान। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जुनैद खान से एक बार मंच की तरफ आए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग प्लीज, हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डीएम रामपुर सर आ चुके हैं ग्राउंड में, तो प्लीज सभी लोग खड़े हो जाएं। डीएम रामपुर सर प्लीज स्टैंड, खड़े हो जाएं सभी लोग।
हम हेलो और हम सब यहाँ पर रामपुर के आदरणीय डीएम मिस्टर रविंदर सर जो यहाँ पर आए हैं और इस शोभा हेलो मैं सारे दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे डीएम। तो इस वक्त हमारे बीच तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रामपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब बहुत शानदार पूरी टीम के साथ स्वागत खैर मकदम और इस्तकबाल है इस एक बेहतरीन टूर्नामेंट में उनका आना कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट में चार चांद लगना मिलक प्रीमियर लीग में रामपुर डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब का आगमन हुआ है ये हम लोगों के लिए एक गौरव का क्षण है और ये कहीं ना कहीं क्रिकेट का बढ़ावा देने के लिए वो हम सबों के समक्ष पहुंचे हैं ये हम सब कहीं ना कहीं आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम सबों के बीच डीएम साहब पहुंचे हैं और कुछ अपना समय व्यतीत करते हुए कुछ अपना समय हम लोगों को देते हुए कुछ वक्त अपने कीमती वक्तों में से निकाल कर हम क्रिकेट प्रेमियों तक साझा करते हुए तो हम सब मिलक प्रीमियर लीग देख रहे हैं और ये मिलक प्रीमियर लीग ये सक्सेसफुल इवेंट है आपने एक ही दिन में आपने देखा कि सुबह हमारे स्पॉन्सर पहुंचे उसके बाद हमारे डीएम सर यहां पे पहुंचे जो कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम सर हमारे बीच पहुंच चुके हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस टूर्नामेंट का और यहाँ पे देखिए डीएम सर क्या शॉट लगा रहे हैं अच्छे अच्छे क्रिकेटर्सों को उन्होंने अच्छे अच्छे बॉलर्सों को उन्होंने स्ट्रोक लगाया है किसी बॉलर को नहीं छोड़े लगता है कि डीएम सर बहुत पुराने क्रिकेट से नाता रखने वाले हैं क्या जबरदस्त खेल रहे हैं दर्शक से रिक्वेस्ट है कृपया आप मैदान खाली कर दे लाइव टेलीकास्ट जा रहा है पूरा दुनिया इस वक्त लाइव प्रसारण देख रहा है ताकि हमारे डीएम सर का भी पूरा अच्छा व्यू आए और पूरा फोकस किया जाए कैमरामैन हमारे डीएम सर को पूरा फोकस करें वहां से दर्शक दर्शक आप बाहर आ जाए दर्शक आप सभी से रिक्वेस्ट है दर्शक बाहर आ जाए सभी दर्शक रिक्वेस्ट है आपसे बाहर आ जाए ताकि लाइव प्रसारण जाए और इनका शॉट सिलेक्शन पूरा कैद किया जाए यूट्यूब पे कैमरामैन पूरा फोकस किए हुए हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन यूट्यूब चैनल और मिलक प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पे इस वक्त लाइव प्रसारण किया जा रहा है भैया ज्यादा कटर ना डालो क्योंकि उन्होंने बहुत समय से क्रिकेट छोड़ा है और ये देखिए शानदार कट डीएम सर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं तालियां बजती रहनी चाहिए गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए एक इतने बड़े ऑफिसर आपके बीच में मौजूद हैं तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सब लोग ओ वेल डन बहुत ही बेहतरीन शॉट ये मैं मिलक प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज़र क्या नाम है आपका डॉक्टर फरत आपको बहुत धन्यवाद दूंगा एक अच्छा टूर्नामेंट आप करा रहे हैं मैं मिलक में किसी गांव से अभी आ रहा था एक प्रोग्राम से मैंने देखा क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट को देख के मैं रोक नहीं पाता अपने आप को तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग
टेनिस बॉल से खेल रहे थे, टेनिस बॉल से प्रैक्टिस नहीं है मेरी, थोड़ी लेदर बॉल से प्रैक्टिस है। तो एक रामपुर में भी अभी एक टूर्नामेंट होने वाला है RPL, मुझे पता नहीं आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे भी, तो वहाँ पे आइएगा, वहाँ पे भी 28 से शुरू हो रहा है। तो और बाकी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ये चंद मिनटों का वक्त हमारे टूर्नामेंट में जान फूंक दिया है, ये चंद मिनटों का लम्हा आपका हम सबों के साथ साझा करना, ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण रहा और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ पर मिलक प्रीमियर लीग। और ये क्रिकेट की दीवानगी है, जब आप क्रिकेट से आप लगाव रखते हैं तो क्रिकेट को देखकर आप रोक नहीं पाते। उन्होंने अपने खुद शब्दों से बयां किए और अपना बहुमूल्य वक्त से कुछ समय हम लोगों को दिए, हालांकि हम जानते हैं कि उनके पास बहुत समय कम होता है क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन उस वर्क के बीच अगर थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल कर हम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मिलक प्रीमियर लीग दिल से धन्यवाद करती है और सदा आभारी रहेगी। आपका ये आना टूर्नामेंट में चार चांद लगाना, ये सदियों तक याद किया जाएगा। स्कूडर फैज तुरंत पहुंचे, आप अपने जिम्मेदारी पूरा करें। अभी आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए मैच रोक लीजिएगा, स्कोरिंग वही कर रहे थे, कुछ अर्जेंसी में, प्लीज 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा। और ये आप कर तो रहे, अबे मुन्ना भाई है तो मैं क्या करूं। और कुछ मिनटों के लिए मैच ब्रेक रहेगा।
जहां पे खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है मिलेक प्रीमियर लीग 2023 दूसरे संस्करण का तीसरा मैच, एक तरफ नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ थंडर टीम। थंडर टीम को अगर बात करें तो ज्यादा लक्ष्य तो नहीं मिला, 61 रनों का लक्ष्य है। और अभी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं रामपुर के स्टेशन मास्टर मिस्टर जुनैद खान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर शोभित भाई से एक बार बूके देकर जो है हमारे जुनैद भाई को सम्मानित करें, और कैमरामैन रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस खूबसूरत छड़ों को, इन पलों को अपने कैमरे में कैद करें। शोभित भाई प्लीज़। काफ़ी दूर से चलकर, रामपुर से चलकर हम सबके बीच पहुंचे हैं जुनैद खान। मिलक प्रीमियर लीग की पूरी टीम धन्यवाद करना चाहेगी मिस्टर जुनैद खान का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निकाला। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मैदान में प्रवेश कर रहे हैं हम सबके बहुत ही प्रिय नईम अंकल, जो हमेशा से मिलक प्रीमियर लीग के लिए अपना टाइम डिवोट करते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा पूरे सीजन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना वक्त देते रहते हैं, और उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैदान में प्रवेश कर रहे हैं मेरे फादर, मेरे पिताजी मिस्टर वाजिद मियां। इन दोनों का ही बहुत अहम योगदान रहता है इस मिलक प्रीमियर लीग को हर साल ऑर्गेनाइज करने में, हर साल इस लीग को और खूबसूरत बनाने में। हम लोग तो एक सिर्फ कोशिश मात्र कर सकते हैं, और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि अपनों का साथ ना हो, बड़ों का हाथ ना हो, तब तक किसी भी इतनी बड़ी चीज़ को अंजाम देना मुश्किल होता है। और उस मुश्किल चीज़ को आसान करने में जो योगदान दिया है वो इन्हीं दोनों लोगों का योगदान है, जिसकी वजह से आज आप ये इस तरीके का आयोजन, मिलक प्रीमियर लीग जैसा मंच आप अपने क्षेत्र में देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, हम सबके बीच मौजूद थे कुछ समय पहले ही, हम सबके बीच मौजूद हुए थे यहाँ पर आदरणीय डीएम साहब, जिनको इनवाइट किया गया था, लेकिन चूंकि जैसा कि वो अधिशासी अधिकारी जो अधिकारी हैं वो और डीएम है, तो उन्होंने अपना वक्त हम सबको दिया था यहाँ पर, और अपना कीमती वक्त देकर इस मिलक प्रीमियर लीग के अंदर चार चांद लगाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम सबके बीच में मौजूद थे, और उन्होंने कुछ अपने बल्लेबाजी के भी काफ़ी कलात्मक शॉट दिखाए थे। और यहाँ पे एक और शानदार कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है शोभित भाई के द्वारा, जैसा कि मैदान के अंदर ज़रूरत थी तो शोभित भाई ने अपने तमाम एफर्ट्स लगाकर यहाँ पे ग्राउंड के अंदर कैनोपी प्रोवाइड करवाई हैं।
सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, वो जाके गेंद शरीर पे लगी और बिंदी गेंद आती हुई। तीसरा ओवर चलता हुआ, रन संख्या 7, 2 विकेट के नुकसान पे। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भरते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचा, डॉट गेंद आता हुआ। और ये एक बेहतरीन स्ट्रोक करने की कोशिश, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा फील्डर के हाथों में। एक टप्पे के बाद जब तक फील्ड करते हैं, एक सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 8, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर का खेल जारी। ओहो, जबरदस्त गेंद, और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8, 2 विकेट के नुकसान पे। अब 42 गेंदों से 53 चाहिए, पहले 18 गेंदों से मात्र 8 बने, अब 42 गेंदों से 53 की दरकार है। यह मुकाबला लगता है कि होगा जबरदस्त। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऐसा माहौल देखा कि कुछ देर के लिए चौंक गए कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन कुछ ही समय के बाद पता चलता है कि हमारे बीच DM सर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो अपनी कलाइयों की कला दिखाएं, अपना चमत्कार दिखाएं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशंसा करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के पूरे मिलक प्रीमियर लीग कमेटी मेंबर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और खुद DM सर, वो चंद मिनटों का, यानी कुछ मिनटों और सेकेंडों का उन्होंने वाणी जो रखा, उन्होंने अपना विचार जो रखा इस टूर्नामेंट के बारे में, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, वो छोटा सा शब्द बहुत कुछ कह के गया कि हम तो ज़्यादातर लेदर बॉल खेलते हैं, लेकिन टेनिस बॉल से आप लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और उन्होंने दूसरे और टूर्नामेंट के बारे में भी उन्होंने बताया कि रामपुर में भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और यहाँ पर अगर DM सर है पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने 1, 2, 4, 5 नहीं, लगभग 2 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी किया और काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रोक हमने देखे। और उनके बाद समय का किल्लत रहा, वो हम लोगों के जगह से प्रस्थान किए। 2 शब्दों में इस टूर्नामेंट के बारे में उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा, प्रशंसा करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट का, तो निश्चित तौर पे प्रशंसा हो रही है इस टूर्नामेंट की। ये टूर्नामेंट अब अपना चरम छूता हुआ, वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। और इस बार अक्रॉस खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, और ये क्या कर बैठे, ये कैच आपको पकड़ना होगा, यहां पे नहीं छोड़ना होगा, ऐसे ऐसे कैच लपकने पड़ेंगे। कैच छूटा है, दिल भी टूटा है, मन भी रूठा है। रन संख्या 10, 4th ओवर का खेल जारी। पावर प्ले का ओवर मुकम्मल हो चुका है, पावर प्ले के बाद का अब खेल चलता होगा। हालांकि दर्शकों की तादाद देखें तो कम है, और ये कम होने का रीज़न यही है कि अब जब आप लाइव टेलीकास्ट करते हो और घर बैठे आप सुविधाएं पहुंचाते हो, हर एंगल से देखा जाता है, रीप्ले रिव्यू सिस्टम भी, और देखा जाए तो अभी तक रिव्यू सिस्टम किसी टीमों के लिए नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं रीप्ले आप बार बार देख रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा देखा जाता है। अंपायर रिव्यू भी लेते हैं, जैसे उन्हें समझ में नहीं आता उस टाइम पे वो रिव्यू मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, उसे ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, सिंगल मिलेगा तो अंपायर अपना रिव्यू भी लेते हैं। तो रिप्ले रिव्यू सिस्टम के साथ अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, और जिसका कारण रहा है कि कई सारे दर्शक जो है वो घर बैठे क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। कई लोग अपने LED में भी कनेक्ट करके और TV में मैच को चलाते हैं LED में, और घर पे आराम से सोकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और ये टप्पा बनने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल, पता नहीं सब चला यहाँ पर बल्लेबाज को कि किस लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद किस गति के साथ उछाल किया है। और यहाँ पे अमूमन देखने को मिला है बल्लेबाज कभी कभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये गेंद कहाँ से उछली, कैसे उछली, कुछ समझ में नहीं आया। 11,
स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। इस बार स्कूप करने की कोशिश और जोरदार अपील यहाँ पर नाइट राइडर्स के सभी खिलाड़ियों के द्वारा। रन संख्या 11 बांध के रखा है थंडर टीम को। भले ही 60 रन इन्होंने स्कोर बोर्ड पे बनाए, 61 का लक्ष्य है, लेकिन इन्होंने कहा है रुको जरा सबर तो करो, अभी गेंदबाजी बाकी है, अभी तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, पूरा फिल्म बाकी है, कीजिए इंतजार। 4 ओवर के बाद रन संख्या 11, 2 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर, 11 रन, 2 विकेट, अब चाहिए जीत के लिए 36 गेंदों से 50, 6 ओवर से 50 रनों की आवश्यकता। ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ये मुकाबला करकदार है, ये मुकाबला असरदार है, ये बहुत अच्छा मुकाबला होना है। अब इस ओवर में क्या घटने वाला है, एकाध खराब ओवर इस मैच को दूर कर देगा नाइट राइडर्स को, एकाध और अच्छा ओवर गिरा तो थंडर्स बोल्ट को, थंडर बोल्ट्स को थोड़ा सा मजबूर कर देगा। अब गेंदबाजी करने के लिए डॉक्टर साहब, पहली गेंद स्लोअर बॉल, डॉक्टर साहब के द्वारा धीमी गति की गेंद और बल्लेबाज को चकमा दिया, चकमा तो अभी नाइट राइडर्स के सभी गेंदबाजों ने दिया है। ये थोड़ा सा तेज गति की तरफ, शरीर के तरफ आई गेंद, इसे डीप स्क्वायर लेग पे खेला, पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, फील्डर तैनात किए गए हैं और एक सिंगल प्राप्त करते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ओवर में एकाध छक्के या तो एकाध विकेट आने वाले हैं, या तो रन या तो विकेट, इस ओवर से ऐसा प्रतीत हो रहा है। या तो 2 छक्के या तो 1 विकेट, 1 छक्का 1 विकेट तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये लीजिए लगा दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। छक्का भी है, विकेट भी है, 1 छक्का 1 विकेट का प्रेडिक्शन था, छक्का लगा, थंडर बोल्ट खुश हो रहे थे, फिर कहा नाइट राइडर्स ने कि रुको मुन्ना भाई, आपने विकेट का भी प्रेडिक्शन किया है, वो भी करके दिखाता हूं, डॉक्टर साहब ने चटकाया विकेट। एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की 1 लोहार की, 18 के स्कोर पे तीसरा विकेट। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए गुलनवाज खान, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है, गुलनवाज खान बल्लेबाजी करने के लिए 5वें नंबर पे, रन संख्या 18, 5वां ओवर का खेल, मुकाबला बहुत ही ट्विस्ट होता हुआ। डाउन द लेग व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलेगा, अतिरिक्त रनों की संख्या के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 19, 3 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा था कि नाइट राइडर्स के बल्ले से रन नहीं आया है, ये मैच से कहीं दूर ना हो जाए, लेकिन इन्होंने बताया है रुको सबर तो करो, अभी पूरा फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, इंतजार तो करो। जब हम 60 पे रुक सकते हैं तो विपक्षी को 59 पे क्यों नहीं रोक सकते। दिले ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है, लंबी है गमों की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है, इसीलिए कहते हैं वक्त को वक्त दो, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, जब किसी के पास अच्छा वक्त नहीं रुका तो बुरा वक्त क्या रुकेगा।
ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 के बाद 19, 3 विकेट के नुकसान पे, 5 के बाद 19 बने हैं, 3 विकेट आया। इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर से 8 रन जरूर आए, लेकिन एक जबरदस्त विकेट निकाला और अब 5 ओवर में 19 बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाले 5 ओवर में चाहिए 42। पांच ओवर में बन चुके हैं 19, आने वाले 5 ओवर में चाहिए जीत के लिए 42। गेंदबाजी करने के लिए हारून, तीस गेंदों से चाहिए 42, ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, ये दोनों के लिए मुमकिन है। यो मिस, आई हिट, हारून आया, हारून छाया, अपने टीम के लिए विकेट चटकाया। टीम थंडर की ओर से आए हैं, क्या जबरदस्त क्लीन बोल्ड हारून के द्वारा। हारून पिछले मैचों में भी अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हारून के द्वारा हुआ था। क्या बात है आसिम भाई, बहुत देर देख रहे हो, मैच पे ध्यान नहीं, इधर ही ध्यान है इसका, ये 56 नंबर। पिटारे से एक अच्छा स्ट्रोक निकाला, गैप में गेंद निकल गई है, दो फील्डरों के बीच में दरार, गेंद हुई है फरार, रन मिले हैं 4। अब मोमेंटम मिलता हुआ, इस बार जर में गेंद खोद कर निकाला ऑन साइड से जब तक फील्ड होती है, और यहाँ पे गलत थ्रो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मिस फील्ड होती तो शायद ये चौके के लिए गेंद जा सकती थी। एक सिंगल प्राप्त करते हुए, सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 24, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से। एक अच्छा उछाल प्राप्त किया, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो नूर 11 रेंजर्स वर्सेज सनराइजर्स के बीच खेला जाएगा। कल 4 मैच जो बचे हुए लीग के रहेंगे वो कल खेले जाएंगे, उसके बाद परसों 4 क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद फाइनल मुकाबला फाइनल डे के दिन 2 सेमी और 1 मेगा फाइनल 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। रन संख्या बढ़ता हुआ 25, यह सम्मानजनक तरीके से इसे खेला, लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल ओवर हो चुके हैं 6 ओवर के बाद रन संख्या 25, 4 विकेट के नुकसान पे, 6 ओवर 25, 4 विकेट के नुकसान पे, 6 ओवर 25, 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 24 गेंदों का और खेल बचा हुआ है, 24 गेंदों पे जीत के लिए
ये गलत है, ये बहुत गलत डाला है। फर्स्ट बाउंस का भी इशारा, वाइट बॉल भी करार दी गई है। ये तोहफा है और कबूल किया है। इस वाइड की मदद से, ओहो ये खराब गेंद, नतीजा 6 रन। ये हो सकता है कि ये ओवर नाइट राइडर्स को मैच से दूर ना कर दे। पहला गेंद वाइड, उसके बाद ये छक्का। गेंद जैप के द्वारा, ये एक अच्छा गेंद कैप में निकालने की प्रयास, ऑन साइड पे बहुत अच्छी फील्डिंग आसिम के द्वारा, बचाया अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन। क्योंकि अगर यहां से अगर गेंद निकलती तो शायद चौके के लिए ट्रेवल कर जाती, क्योंकि जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के फील्डर के बीच जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ पे अगर एक बार निकलती है ना गेंद, तो फील्ड चौके के लिए निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बाउंड्री है नहीं, आप गेंद का ज़्यादा देर तक पीछा कर नहीं सकते हैं। जब तक आप पीछा करेंगे गेंद अपना काम कर चुकी होगी। तो इस सिंगल की मदद से अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं 8 रन, संख्या 32, ओवर नंबर 7। तो 7 ही रन आए हैं, क्योंकि इन्होंने वो 1 रन चुराया नहीं है पिछली गेंदों पे, तो 7 ही आए हैं। ओहो ऐसा लग रहा था कि ये ओवर कहीं महंगा ओवर ना हो, क्योंकि पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद भी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद कॉमबैक देखिए, वापसी देखिए। और कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पसीने से नहाया है ये खिलाड़ी और इतिहास बदलने को तैयार है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी जैप के द्वारा, कमाल की गेंदबाजी करते हुए 22 नंबर की जर्सी में अपने टीम नाइट राइडर्स के लिए। एक अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए, यहां कट करना चाहते थे लेकिन कट कर नहीं पाए। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति, और ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 32। अब 18 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 29। 18 गेंदों से 29, सोनू खान है यार, छोड़ दो उसका, प्लेयर ऑफ द मैच देंगे कौन ये जानना रहता है। गेंदबाजी करने के लिए आवा हैं डॉक्टर साहब, और अच्छी गेंदबाजी। यू तो हो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन यहां क्रिकेट में लोगों की जिंदगी लूटने आए हैं, अपने विपक्षी को लूटने आए हैं, मारने आए हैं। और ये रनआउट का खतरा, लेकिन नहीं, 1 रन पूरा करेंगे सिंगल की मदद से। अब गुलनवाज होंगे स्ट्राइक पे, और गुलनवाज स्ट्राइक पे होंगे मतलब यहां से कुछ बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी, क्योंकि गुलनवाज 7 गेंदों से 10 जरूर बनाए हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा स्ट्रोक निकला है। 10 गेंदों में 7 जरूर बनाए हैं, लेकिन एक अच्छा उसमें स्ट्रोक। 5 गेंदों से 6 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुभान, और ये हेलीकॉप्टर हिली है, और हिली के साथ साथ खो क्या जबरदस्त हिली है, और दर्शकों तक जाकर गेंद पहुंची है, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। ये दरकार, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकालने की कोशिश, लेकिन इस बार नहीं, इस बार डॉट गेंद आती हुई, छक्का के बाद अच्छा कॉमबैक और डॉट गेंद करते हुए। ओहो कमाल का स्ट्रोक, ये इनके पैरों पे गेंद को रखा था, लेकिन उड़ाया गेंद को, पहुंचाया दर्शक तक, मैक्सिमम ओवर बाउंड्री SKIT सिक्सर।
पलट गया, इस विकेट से ट्विस्ट कितना होगा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोर, खुद तैर कर दरिया पार करो। यहां से अब क्या होने वाला, पांच जीत के लिए अब यहां से 12 गेंदों से 16 की है दरकार। देखना होगा किसकी बनती है सरकार। ये दिन गुरुवार हो रहा है मजेदार, ये मुकाबला बहुत ही धमाकेदार, कड़ाकेदार, जबरदस्त। कौन है इस मैच के हकदार, थोड़ा सा कीजिए इंतजार, लेकिन उससे पहले ये मुकाबला मजेदार। बारह गेंदों से 16 की और आवश्यकता, 45 पे पांच, 12 गेंदे 16। मलिंगा एक्शन में, पहली गेंद चली हुई है डॉट। अब सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ दर्शकों को यहां पे ठंड का भी एहसास हो रहा होगा, लेकिन कुछ दर्शकों के अंदर गर्माहट पैदा हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ धीरे धीरे सूर्य अस्त होने को है और दूसरी तरफ ये मैच मस्त होने को है। अब 11 गेंदे 16 रन, 11 गेंदों से 16 चाहिए। टेनिस क्रिकेट डॉट इन और मिलक प्रीमियर लीग पे इस वक्त क्रिकेटरों की और क्रिकेट प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। मुकाबला बहुत दिलचस्प होता होगा। मलिंगा एक्शन में, क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर आसिफ, जो कि टीम के कैप्टन है, और कैप्टन यहां पर फ्रंट फुट से लीड करने के लिए और पूरा कोशिश करते हुए मलिंगा एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए 10 गेंदों से अब 16। एक एक डॉट गेंदे यहां पर थंडर के ऊपर प्रेशर बनाएगा, एक एक रन, एक एक छक्के चौके राइट राइडर्स के ऊपर प्रेशर बनाएगा। अगली गेंद एक बार फिर से मलिंगा एक्शन में आया है, स्लॉट में डाला है, और स्लॉट में डालोगे तो पार्क करना नहीं भूलेंगे, पार्किंग लॉट में। SKIT सुपर सिक्सर। मैच है नाइट राइडर्स के लिए, पिछला मुकाबला गंवा के आए हैं, ये मुकाबला जीतना होगा। और ये डॉट या फिर रन आउट, नहीं ये सिंगल, सिंगल और उसके साथ क्या ये दूसरा भी होगा, नहीं एक से ही संतुष्ट। अब जीत के लिए 8 गेंदों से 9 रन चाहिए, 8 गेंदे 9 रन। मजा आ रहा है इस मुकाबले में, क्या दर्शक आपको मजा आ रहा है, एक तालियां हो जाए चारों ओर से दर्शक भाई, तालियां तो बजा दीजिए गेट से दर्शक, गेट वाले दर्शक तालियां बजा दो, तालियां बजाने से आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज होते हैं। अभी भी कई महान हस्ती है जो हाथ बांधे मैच का लुत्फ ले रहे हैं, हम जान रहे हैं आप पूरे मैच के अंदर ये बिजी हो। हवा में गेंद, गेंद फलक में, जान हलक में, कैच लपका, विकेट चटकाया, एक बार फिर से ट्विस्ट आता हुआ। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और ये जीतने की उम्मीदें अभी भी जिंदा है, अभी भी बरकरार है। से ना यकी हो तो शाम से, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकी हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ और सिर्फ मिलक प्रीमियर लीग के नाम से। दर्शकों की तादाद यहां पे बताती हुई मिलक प्रीमियर लीग के दीवाने। 7 गेंदे 9 की दरकार, जबरदस्ती और का रन आउट का खतरा, हा हा ना ना, उसके बाद एक थ्रो लगातार, देखिए ये प्रेशर, इसीलिए तो। और ये क्या कर रहे, अरे ना ना, लेकिन एक कहावत है ना, राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का और दबाव में पड़ा खिलाड़ी, इन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता है।
वही होता होगा, ये दबाव है, ये दबाव है। आप जब पानी से नहाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदलते हैं, जब आप पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। ओवर की समाप्ति 9 के बाद 52, 6 गेंदों पे चाहिए 9। क्या लगता है दर्शक, इतने अच्छे मैच के लिए तो तालियां बजा दो। दर्शक कम है, लेकिन कहते हैं ना, हम कम है मगर दम है। जो दर्शक तालियां नहीं बजा रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही कड़कती काली रात होगी। ताली ना बजाकर तूने जो दिल दुखाया यहां आए खिलाड़ियों का, जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी। तो ऐसे ऐसे मैचों के लिए तालियां बजाइए। 6 गेंदे 9 की दरकार, किसकी बनेगी सरकार? ये गुरुवार हो रहा है मजेदार, जबरदस्त ये टूर्नामेंट, मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 का एक अच्छा ब्लॉकबस्टर। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाता हुआ, अब सभी प्लेयर्स के ऊपर परेशानी और वो दबाव महसूस होता हुआ। 6 गेंदे 9, 6 गेंदे 9, 6 गेंदे 9, ये धड़कने, दिलों की धड़कने अब क्या हो रही है ना। ओहो, ये धड़कने धक 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 धक। अब यहां से भैया सिटी बहुत दूर है, जो दिल के मरीज है वो इस मुकाबले को ना देखे। नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, इतना आसान नहीं है भैया, ओरिजिनल करना है। अक्रॉस खेलने की कोशिश, डॉट गेंदे, 4 में चाहिए 9। नाइट राइडर्स या फिर थंडर, थंडर जीतेगी तो ये मुकाबले में नाइट राइडर्स के इस ग्रुप से रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर नाइट राइडर्स जीतेगा तो अगला मुकाबला भी इस टीम का बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सीधा हाथ में दे बैठे और इस वक्त पे कोई गलती नहीं, 3 गेंदों से 9 की दरकार है। नए बल्लेबाज अब होंगे स्ट्राइक पे, ये क्या मुकाबला दमदार है, विकेट आता हुआ। यू जमी पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। 3 गेंदे 9, मुझे तो लगता है कि अभी भी एक 6 आने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कैप्टन खुद आए हैं और गेंदबाजी करने के लिए जैब, उड़ाया गेंद को लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है, पीछे हैं खिलाड़ी और एक लिया है दूसरे के लिए, पलटे हैं, क्या पूरा हो पाएगा? और ये हो जाएगा आसानी के साथ, 2 गेंदों से अब चाहिए 7। कैप्टन के है ऊपर जिम्मेवारी, अब बढ़ता होगा कप्तान को, यहां से करना होगा काम। दिलों की धड़कने दर्शक, जो दिल के मरीज है वो इस मुकाबले को ना देखे। 2 गेंदे 7, दर्शकों की दिलों की धड़कने, ये सिंगल, आखिरी गेंद, अगर 6 तो मैच जीतेगा थंडर, अगर हारा, अगर नहीं लगा तो मैच हारेगा थंडर। 1 गेंदे 6 रन, मैंने अपने जीवन में देखा है ये लगते हुए, मैंने अपने जीवन में ये कारनामे भी होते हुए देखा है, अपने कमेंट्री के सामने देखा है। डेट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिल के मरीज इस मुकाबले को ना देखे। थंडर के जो फैंस है, फैंस जो नाइट राइडर्स के हैं, वो इस मुकाबले को सिर्फ रिजल्ट ले ले, इस गेंद को ना देखे। ये गेंद, क्या नाइट राइडर्स जीवित रहेंगे या इनकी सांसें बंद होगी इस टूर्नामेंट के लिए, दर्शाएगा ये गेंद, बताएगा ये गेंद निर्णायक बॉल इस मैच का। क्या जबरदस्त ये मैच होता हुआ, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो ऐसा ही मैच चाहिए। अगे 1 गेंदे 6 की दरकार, कमाल का स्ट्रोक, एक बार फिर हमने देखा है वो चमत्कार, क्या कमाल का स्ट्रोक। मैच में काफी उतार और चढ़ाव, लेकिन आखिरी कार